प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती समारोह पर इटावा में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने देश के कवियों व प्रबुद्ध जनता के बीच यह साफ कर दिया है कि देश की मौजूदा सरकार किसानों का जमकर शोषण कर रही है। इटावा के हेबरा स्थित चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज में आयोजित कवि सम्मेलन में बोलते हुए प्रसपा अध्यक्ष ने देश की मोदी व सूबे की योगी सरकार को निशाने पर रखा। उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों से फर्जी बिल पर बिजली विभाग के जेई कर रहे हैं वसूली। योगी मोदी कह रहे हैं कि हमारी ईमानदार सरकार अगर किसानों के बीच में जाए तभी तो मैंने निर्णय लिया है। बिजली के इंजीनियर कितने बेईमान हैं, किसान बिल दे रहा है, कनेक्शन उनका सही है और खुद इंजीनियर कटिया डाल करके खुद फोटो लेकर के किसानों को परेशान कर रहे। मैंने देखा है कि 4 महीने से नहरों में पानी नहीं, किसान अपनी पूरी लागत लगा चुका है, खाद दे चुका है, बीज दे चुका है और अगर कहीं पर भी अपना टिल्लू लगा लेता है तो इंजीनियर चला आता है, मैं टिल्लू के मैं तार के सब उठा ले जाता है, जुर्माना अलग कर देता। तो हमने तो इसलिए नहर का पानी, ट्यूबवेल का पानी जब हम सिंचाई मंत्री थे तब फ्री किया था और सही है, मैंने राजद संहिता इसलिए लागू की थी कि किसानों को कहीं पर भी अधिकारियों के चक्कर लगाने नहीं पड़े।